नमस्कार एस्ट्रो तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा और आज हम आपको बताने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्त्रियों को हरतालिका तीज की। ये तीज क्यों मनाई जाती है, शायद आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता, तो मैं आज आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी। ये तीज क्यों मनाई जाती है, भगवान शंकर और गौरी माता के पुनर्मिलन को हरतालिका तीज कहते हैं। माँ ने जब तप किया शंकर जी को पाने के लिए, तो यही वो दिन था जब उन्होंने तप किया, मिट्टी के उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, जब शिव जी प्रकट हुए और उनसे विवाह किया, यही वो पर्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी स्त्रियां अपने सौभाग्य को प्राप्त करना चाहती हैं वो ये व्रत ज़रूर करती हैं, और जितनी भी महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं, 16 सिंगार करती हैं, माँ गौरी गणेश जी और शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन। 1 तारीख को ये मनाई जा रही है, 1 सितंबर को। और इस हरतालिका तीज में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है और इसका मुहूर्त है प्रातः काल 8:27 से 2 सितंबर 4:57 तक हरतालिका तीज रहेगी, उसके बाद चतुर्थी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 1 सितंबर को मनाई जा रही है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौरी माँ अति कृपा प्रदान करती है। यदि कोई सुहागन स्त्री अपने पति की बीमारी से परेशान है या वो चाहती है उसका पति बीमार है या पति की कोई परेशानी चल रही है, वो हरतालिका तीज रखती है, तो यकीन मानिए ये चीज़ें जल्द से जल्द दूर हो जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम पति से रिलेटेड उनको आ रही है या पति को कोई परेशानी है, पति बहुत बीमार है, तो हरतालिका तीज करने से ये सभी चीज़ें दूर होती हैं। जो कवारी स्त्रियाँ ये व्रत रखती हैं, माना जाता है कि कवारी जितनी भी कन्याएँ हैं वो ये व्रत रखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छे पति की प्राप्ति होती है। तो जितनी भी कवारी कन्याएं हैं वो ज़रूर रखें ये हरतालिका तीज और अच्छे से अच्छे पति को प्राप्त करें। इस दिन कवारी कन्याएं जो भोग लगाती हैं वो भी श्रृंगार अर्पित करती हैं माँ गौरी को और मीठा खिलाती हैं माँ गौरी को, मीठा अर्पण करती हैं माँ गौरी के आगे, माँ भगवान शंकर के आगे और गणपति जी के आगे, और ये शुभ माना जाता है। इस दिन विधवा औरतें होती हैं वो भी ये व्रत ज़रूर रखती हैं। वो ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए हरतालिका तीज की जाती है। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, इस व्रत में जल और अन्न दोनों ग्रहण नहीं किए जाते और ये व्रत 24 घंटे तक चलता है। माना जाता है ये कठिन ज़रूर होता है, लेकिन आप यदि सुबह उठते हैं सूर्य उदय से पहले, सबसे पहले आप संकल्प लीजिए इस व्रत का सूर्य उदय से पहले, और प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए। प्रदोष काल का अर्थ होता है जिस टाइम रात और दिन मिल रहे होते हैं, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे वो शाम का समय हो, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो आप अगर प्रदोष काल में सुबह के समय इसकी पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं तो आपका लक्ष्य और भी पास आ जाता है, और यकीन मानिए मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए ये व्रत करना, आपके अंदर खुद ब खुद शक्ति आएगी ये व्रत करने की। तो जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं वो ये व्रत करें, माँ गौरी की, माँ गणेश जी की और शंकर भगवान की फ़ोटो चौकी पे सजाए, अपने घर पे भी पूजन कर सकते हैं और आप मंदिर में भी कर सकते हैं। पूरा पूजन करने के बाद आप सुहाग का सामान जितना भी है वो चढ़ाएं माँ गौरी को, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें और फल चढ़ाएं, मिठाइयाँ चढ़ाएं, और जो भी सामान आपका बचता है अपने बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श करने के बाद वो किसी पंडित को या पंडितानी को वो सामान दे दें, अपना जो भी हो, जो भी आप चढ़ाते हैं वो सारा सामान, श्रृंगार का सामान हो या जो भी हो वो आप दे दें। ऐसा माना जाता है कि अपने सुहाग की डिबिया से यदि 7 औरतों को आप सिंदूर लगाते हैं तो भी आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि किसी का हस्बैंड बहुत बीमार चल रहा है, बहुत टाइम से बीमार है, तो वो हरतालिका तीज ज़रूर करे और अपनी सिंदूर की डिबिया से 7 औरतों को सिंदूर लगाए। ऐसा करने से उसके पति की उम्र यकीनन बड़ी होगी और भगवान शंकर कृपा करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और जल्द से जल्द वो खुश हो और जल्द से जल्द उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। देखते रहिए एस्ट्रो तक।